और देखते ही देखते 12 साल हो गए। मुझे आज भी याद है कि जब हमने अड्डा 24/7 की शुरुआत की थी नोएडा के एक छोटे से ऑफिस में, और वो ऑफिस एक ऐसी बिल्डिंग में था जिसमें लिफ्ट नहीं थी और हमारा ऑफिस 5th फ्लोर पर था। तो कई बार क्या होता था कि जो लोग मिलने आते थे, स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते थे, वो कन्फ्यूज आते थे कि यार ऑफिस है भी कि नहीं, सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं, थक जाते थे। इनफैक्ट जो लोग पहुँचते थे वो थके हुए होते थे, सांस चल रही होती थी। ऐसी जगह से हमने शुरुआत की थी और शुरू में आई थिंक पहले 2-3 महीने में सिर्फ 5-6 एम्प्लॉयज़ थे, मैं, सौरभ, सुशील और 2-3 लोग थे। तो बहुत छोटा सा ऑफिस था और बहुत कम लोग थे, और आज अड्डा परिवार ऑलमोस्ट 800 लोगों का परिवार हो गया है, और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग स्किल सेट के लोग हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज हैं, अपने अपने फील्ड के सब महारथी लोग हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी जर्नी रही है 12 सालों की, बहुत इवेंटफुल रही है। जैसा मैंने कहा कि छोटे से ऑफिस से शुरुआत की थी, उसके बाद फिर हमने अपना एक्सपेंशन किया और बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन किया। उस एक्सपेंशन में हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। इनफैक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट एक स्किल सेट था, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हमारी इस जर्नी में हमारे लिए एक तरह से बाइबल की तरह काम की, वो थी हमारा एक फोकस सक्सेस के अराउंड। और आज अड्डा 24/7 जहाँ भी है उसमें आप सभी का एक बहुत बड़ा हाथ है, यानी कि हमारे सारे स्टूडेंट्स का उसमें बहुत बड़ा रोल है। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम कंटिन्यूस हार्डवर्क करते रहे हैं, और एक हमें मोटिवेशन मिलता रहा है कि यार यस, वी आर मेकिंग डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ पीपल, वी आर हेल्पिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग सक्सेस। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन हमेशा से रहा है, और मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि अड्डा 24/7 एज ए कंपनी हमेशा आपके हितों के लिए काम करेगा, और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा नया ज़रूर करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा नया थॉट प्रोसेस ज़रूर लेके आएगा जो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में एक रोल प्ले कर सके, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सके टू गेट सक्सीड। एंड दैट्स वाई वी ऑलवेज से दिस इज़ अड्डा कामयाबी का। हमने अपना जो स्लोगन है वो भी यही रखा है कि दिस इज़ अड्डा कामयाबी का। हम एग्जिस्ट इसलिए करते हैं कि हम आपको, यानी कि जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, उनको किसी भी तरह सक्सेसफुल बना सकें, और ये हमेशा हम करते रहेंगे। साथ ही साथ मैं अड्डा फैमिली को भी धन्यवाद भी देना चाहूँगा और उनको कॉन्ग्रेट्स भी बोलना चाहूँगा इस माइलस्टोन के लिए। दिस इज़ अ बिग माइलस्टोन, 12 ईयर्स अचीविंग दिस माइलस्टोन, आई थिंक इट्स रियली बिग। When we started this 12 years back, we had a vision that we are going to create this company for next 100 years. अगले 100 सालों के लिए हमने कंपनी बनाई ली है, और उसमें से 12 साल हो चुके हैं, यानी कि अभी 88 years और हमें कंपनी चलानी है। और मुझे लगता है कि अगली आने वाली 2-3 generations जरूर हमारे प्लेटफॉर्म में पड़ेंगी, और इस माध्यम से, यानी कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से, जो अभी एजुकेशन में गैप है, बड़े सिटीज़ में मिलती है, गाँव में उतनी एजुकेशन या उतना क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, अगले आने वाले सालों में हम उस बैरियर को भी क्रॉस कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन एक सबसे बड़ा टूल है जो किसी भी पर्सन की लाइफ को चेंज कर सकता है। एजुकेशन से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में खुलती हैं और बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। एंड This is something which we have seen all across among our students in last 12 years. और हमारा vision है, हमारा एक, हमें बहुत clarity है कि यार हमें education को घर घर तक लेकर जाना है। हमें education को हर किसी को, चाहे कोई गांव में रहता है, चाहे town में रहता है, चाहे शहर में रहता है, हर किसी को available कराना है, affordable भी बनाना है और accessible भी बनाना है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है। पिछले 12 सालों में मैं कहूँगा कि हमने अच्छी खासी प्रोग्रेस की है, बहुत सारा काम किया है और अच्छी खासी प्रोग्रेस की है इस डायरेक्शन में, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में हम बहुत सारी प्रोग्रेस कर लेंगे। बहुत हद तक हम एजुकेशन को ग्रास रूट लेवल तक लेकर चले जाएंगे, और अगले 20 सालों में
अगले 20 सालों में मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम एजुकेशन के टर्म्स में एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर देंगे। यानी कि मुझे लगता है कि 20 साल बाद एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन किसी एक पर्टिकुलर स्टेटा या पर्टिकुलर इनकम ग्रुप या पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं होगी, एजुकेशन सभी के लिए होगी और सभी को एक इक्वल लेवल पर एजुकेशन मिल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट दिस जर्नी एंड थैंक यू सो मच बीइंग पार्ट ऑफ अड्डा। कीप सपोर्टिंग अस एंड वी अश्योर यू दैट वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू एंड इन वॉट एवर वे वी कैन वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू सक्सीड इन योर लाइफ। हाय एवरीवन, आज काफ़ी इमोशनल दिन है। वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 13th फाउंडेशन डे। जो सपना, जो विजन मैंने और अनिल ने 2010 में देखा था, आज वो हम 800 से भी ज़्यादा लोग देख रहे हैं सेम विजन को। लैक्स एंड लैक्स, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। जैसे हमेशा हम एक बात कहते हैं कि जर्नी इज ऑलवेज यू नो मोर इम्पॉर्टेंट देन डेस्टिनेशन। सो दिस हैज़ बीन अ वेरी वेरी एक्साइटिंग जर्नी एंड मैं तो यही कहूँगा, यहाँ रुकेंगे नहीं। वी आर हियर टू क्रिएट हिस्ट्री एंड बेस्ट विशेज टू माई एंटायर टीम एंड गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स। हेलो गाइज, आज एक बहुत स्पेशल दिन है। आज अड्डा का 13th फाउंडेशन डे है और इस उपलक्ष्य में मैं अड्डा की पूरे टीम को बहुत बधाई देता हूँ। जब भी हम एक स्टार्टअप करते हैं, एक नया कुछ काम शुरू करते हैं, तो कहते हैं कि सर्वाइवल ही अपने आप में एक उपलब्धि है। ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स होते हैं वो मुझे नहीं लगता 3 से 4 साल सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एजुकेशन कंपनी है जिसने सर्वाइव ही नहीं किया बल्कि थ्राइव किया है और करोड़ों लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है इतने कम समय में, वो भी अफोर्डेबल एजुकेशन देकर। बहुत ही कम कंपनियाँ, शायद अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं इतनी कम कंपनियाँ भारत में ऐसी हैं। इतनी यूनिक कंपनी, एक इतना यूनिक कल्चर, नो वंडर आज करोड़ों लोग इस कंपनी को प्यार करते हैं, इसके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हर दिन शिक्षा के नए आयाम छूती है ये कंपनी और आज इसका 13वां फाउंडेशन डे है, 13 बरस। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कम से कम मेरे जीवन काल तक ये कंपनी ऐसे ही फलती फूलती रहे और भारत के उन कोनों तक भी पहुंचे जहां अब तक शायद नहीं पहुंच पाई है। जिस तरह से इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ रहा है, डिजिटल शिक्षा क्रांति हो रही है चारों तरफ, उसमें अड्डा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी आने वाले समय में भी। तो पूरी टीम को बधाई, आज एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए, ये दिन वास्तव में बहुत खास है। और उसके बाद कल से बैक टू वर्क। थैंक यू। आज 13th फाउंडेशन डे है ऑफ द अड्डा ग्रुप। अड्डा की जर्नी जो कि 2010 में शुरू हुई थी और स्टडी आईक्यू की जर्नी जो 2014 में शुरू हुई थी, एक सेम डीएनए के साथ स्टार्ट हुई थी कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना है और एजुकेशन को इंडिया के हर एक कोने तक हमें लेके जाना है। इस जर्नी को करते करते हम कुछ हद तक सफल हुए हैं, आगे भी हम ऐसे सफल होते रहें, इसके लिए आपका प्यार हम दोनों कंपनीज पे, हम दोनों ग्रुप्स पे बना रहे, यही मैं आशा करता हूँ। और बहुत बहुत हार्टलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज अड्डा ग्रुप का, हमारे ग्रुप का 13th फाउंडेशन डे है, जो कि हम बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, अड्डा ग्रुप SSE बैंकिंग ऑनलाइन स्पेस का, जैसे कि आपको पता है, सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेयर है। मैं इस पूरे ग्रुप को इस स्पेशल डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ एंड स्पेशली टू अनिल नागर सर एंड सौरभ बंसल सर। इस पूरे ग्रुप का बहुत ही अच्छे से नेतृत्व करने के लिए मेरी बहुत बहुत बधाई उन दोनों को। दोस्तों, स्टडी आईक्यू की जर्नी अड्डा ग्रुप के साथ आज से 3 महीना पहले लगभग शुरू हुई थी और आज मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि स्टडी आईक्यू और अड्डा ग्रुप जब से साथ आए हैं, मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि हम इस देश की लास्ट माइल सबसे बड़ी एडटेक कंपनी आपको बन के दिखाएंगे। तो दोस्तों, अड्डा कामयाबी का थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जैसे कि हर पेड़ की मजबूती डिपेंड करती है उसकी जड़ों पे, जितनी मजबूत उसकी जड़ें होंगी उतना ही मजबूत वो पेड़ होगा। ये जड़ें हमें दिखती नहीं है,
लेकिन मजबूती तय करने वाली ये जड़ें ही होती हैं। इसी तरह अड्डा का डीएनए, अड्डा उसका वर्क कल्चर है। और इस फाउंडेशन डे में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे फाउंडर्स को, जिन्होंने इतना अच्छा वर्क कल्चर सेट किया है कि ये अड्डा को नए मुकाम तक पहुँचाने में बहुत मददगार साबित हो। अड्डा 24/7 13th फाउंडेशन डे एक बहुत बड़ा दिन हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आप लोगों का विश्वास और हमारा प्रयास इस बात का एक प्रमाण है कि आज देश के हर एक कोने में, हर एक घर तक एक सरकारी नौकर, और उसमें कहीं ना कहीं श्रेय अड्डा 24/7 को जाता है, अनिल नागर सर को जाता है, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। इसे बहुत बड़ा बनाना है और साथ आपका चाहिए हमें, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं। 13th फाउंडेशन डे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल 14th भी होगा, 15th भी होगा, 16th भी होगा, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और इसमें साथ की जरूरत पड़ेगी आपकी। तो आप लोगों को सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन 13th फाउंडेशन डे। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर अड्डा 24/7 फैमिली फॉर हैविंग द 13th एनिवर्सरी, 13th बर्थडे यू कैन से। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लास्ट 7 years। फॉर मी दिस इज द बेस्ट प्लेस टू वर्क, एंड इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, so this is the best online platform I have ever seen. So ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और साथ मिलते रहेंगे। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, हम लोग भी यहाँ पे सपोर्ट करते रहेंगे आप लोग को, और ऐसे ही एवरी ईयर हम बर्थडे मनाते रहेंगे। धन्यवाद। अजी हम तो दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है, जिस ओर भी चल देंगे रास्ता हो जाएगा। ट्रेंड फॉलो करना तो सबका काम है, अड्डा 24/7 ट्रेंड सेट करता है, और ये जो सिलसिला है तकरीबन 13 सालों से चलता आ रहा है और यूं ही चलता रहेगा। मैं पूरे अड्डा 24/7 फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूं और हमारे सारे स्टूडेंट्स को भी हार्दिक बधाई देता हूं। थैंक यू। कि अंदाजे से नापिए हमारी हस्ती को, अंदाजे से नापिए हमारी हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। अड्डा 24/7 ने बहुत से तूफानों का सामना किया है, बहुत सी कश्तियों को सहारा दिया है और बहुत सी हस्तियों को जन्म दिया है, लेकिन अड्डा 24/7 जब मेरे नाम के साथ जुड़ता है या किसी भी स्टूडेंट की ज़िंदगी से जुड़ता है तो वहाँ से कहानी में एक पॉजिटिव बदलाव आता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनके ना सिर्फ आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बल्कि आई एम वेरी वेरी प्राउड, एंड आई विश दिस ऑर्गेनाइजेशन ओनली द बेस्ट forever and forever to come. All the best. साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों के प्रेम और स्नेह की वजह से अड्डा 24/7 के परिवार ने 13 साल कंप्लीट कर लिए। इसी तरीके से आप लोग भरोसा बनाए रखिए, और मैं फिर गारंटी के साथ कहता हूँ हमारी पूरी टीम आगे आने वाले सभी एग्जाम में सिलेक्शन दिला के रही। थैंक यू स्टूडेंट्स, पिछले 13 साल लगातार हमें सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए, स्नेह देने के लिए। आपके इसी प्यार और इसी सपोर्ट के कारण आज हम इतना लंबा समय तय कर पाए और इस मुकाम तक अड्डा पहुंचाया है। तो आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट आपका हमारे साथ बना रहेगा, ताकि हम और आप मिलकर, यानी कि अड्डा 24/7 और आप जो अड्डा 24/7 की फैमिली है, एक लंबा समय तय कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अड्डा 24/7 के 13th फाउंडेशन डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू on the 13th foundation day of Adda 24/7. नमस्कार खम्मागणि, राम राम आप सभी को Adda 24/7 की ओर से स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वाओ 13 साल, congratulations all of you students और my Adda 24/7 family. Thank you. 13th foundation day पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका ऐसे ही प्यार और विश्वास बना रहे। Wish you all the very best team Adda 24/7. So, आगे आने वाले सालों में हम आशा करते हैं कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखेंगे और आपका सपना जरूर पूरा होगा। धन्यवाद। इसी तरीके से जो है अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि जो है हम एक बेहतर भारत का निर्माण आप और हम मिलकर कर सके। आप लोग ऐसे ही सहयोग करते रहे इस अड्डा 24/7 के परिवार को बढ़ाने में। थैंक यू सो मच। हैप्पी फाउंडेशन डे।